कलाए से आगे चल के जेपी ने यार मैं जो बोल दिया जो मैंने उसके बाद मैं कभी मुकरता नहीं हूँ, जिस पार्टी मैंने छोड़ दी उसमें कभी दोबारा आता नहीं हूँ। ऐसा बवेगा पूरा सपोर्ट मिला, क्यों काम कर रखा भजन लाल ने, भजन लाल लोग तो कह रहे सड़कें टूटी हैं, पानी नहीं है, बेरोजगार नहीं है, कहने की आदत है, इतना ही कुछ कर दो किसी भरे है। हमारा लोकल कैंडिडेट है भी और जयप्रकाश तो बाहर से 18 फुट से ऊपर हुआ कैंडिडेट है। किस कौन जीतेगा, क्या कारण है? कारण ये दीप दिनलाल जी ने इतने काम किए थे जो कभी किसी ने किए नहीं। आज इसका बाद में रामलीला शर्मा जी आए थे, वोट की अपील की है, क्या समझते हैं? कुछ है कमल का क्या है? मुकाबला किससे है? हम तो किसी उसके लेके नहीं जाते। अच्छा, आपकी क्या राय है? किस कौन जीतेगा, क्या कारण है? कारण ये दीप दिनलाल जी ने इतने काम किए थे जो कभी किसी ने किए नहीं। हमारा लोकल कैंडिडेट है भी और जयप्रकाश तो बाहर से 18 फुट से ऊपर हुआ कैंडिडेट है। ये भी अमेरिका रहता है, वो जेपी कह रहे थे पढ़ने के लिए तो कोई कह जाता कि हमारे यहाँ गाँव से साथ आते हैं, वो तो पढ़ने के लिए जा रहा कोई भी और राजनीति तो नहीं कर रहा। जयप्रकाश का तो साक्षात 6 तारीख को कर देंगे जी। 1987 में जब चौधरी देवीलाल की लहर थी ना, तब भी अगर नहीं होता तो क्या टूटेगा। अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्यों काम कर रखा भजन लाल ने, भजन लाल लोग तो कह रहे सड़कें टूटी हैं, पानी नहीं है, बेरोजगार नहीं है, कहने की आदत है, इतना ही कुछ कर दो किसे भरे है, अरे फिर बड़े कभी भरे बता दो, इतना धन तो नहीं भरता, इतना काम है, वो टाइम बताएगा, टाइम बताएगा। इतने सांप के बच्चों को छोटा नहीं सुनना चाहिए। अभी आए हो, बहुत पार्टी बदल ली, कभी कांग्रेस कभी जन नहीं था, भाजपा में आ गया। आदत किसकी खराब होती है, उसका कोई इलाज नहीं। किसकी आदत खराब है? जेपी साहब की। जेपी तो पुराना लीडर है भाई साहब, कलाए से आगे चल के कभी कहते मैं जो मैंने एक बार उन्होंने भाषण दिया था, कहा था मैं जो कह देता हूँ उससे मुकरता नहीं हूँ, और वो कांग्रेस छोड़ के गए थे तो दोबारा किस लिए आए यार? अगर बोल जो कहते हैं भव्य बिश्नोई जी ने भी कई पार्टी बदल ली, कुलदीप जी ने, कुलदीप जी ने तो अपनी बनाई थी जनित कांग्रेस बनाई थी हाँ। लेकिन जेपी ने यार मैं जो बोल दिया जो मैंने उसके बाद मैं कभी मुकरता नहीं हूँ, जिस पार्टी मैंने छोड़ दी उसमें कभी दोबारा आता नहीं हूँ। ऐसा बवेगा पूरा सपोर्ट मिला, कुछ सरकार में साझा होने का फायदा मिलेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, प्लस पॉइंट बहुत ज्यादा। अच्छा, अगर 25 से 30 हजार प्लस दीपेंद्र हुड्डा बहुत जोर लगा रहे हैं, हम तो आधी वोटा तो हरा जाएंगे। अपनी अपनी पार्टी ऐसा कोई नहीं, अपने भाई को माड़ा कहता है, अपने सीट ने कोई खटा ना बताओ, अपनी सीट ने खटा ना बताओ, मेरा ही फिर मारता के पूछो बताओ वाली बात है, क्या मिजाजी बात बढ़ाओ। अच्छा तो चलो बता, चलो बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ पर जो राम राम भाई साहब, के नाम भाई साहब सुशील, क्या माहौल है भाई साहब? सीधे बहुत बढ़िया, भव्य विश्वसनीय जीते, कोई टक्कर मत। तो कांग्रेस तो कहते फिर रहे हैं बोला 10 बजे ढोल ठोर रहे हैं ना, कांग्रेस तो ही पे बदल रहा है, कुलदीप का रिपोर्ट अब यही है, देखो कुलदीप का नहीं है अगर। अच्छा, और कुछ भाजपा मान का फायदा होगा नुकसान? फायदा ही है, सरकार में फायदा आ गया, भाजपा नाराज है, लोग काम नहीं होते, रोजगार नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, कौन कहता नाराज है? जेपी कह रहा है, कल भी कह रहा था जेपी अपने बयान हुए से कहता रहा तो गुंडा आदमी उसका। अच्छा, भव्य बिश्नोई शरीफ है, बहुत बढ़िया शरीफ है, बताओ कोई बात बताओ। वो क्या अमेरिका रहता है? कौन कहता अमेरिका रहता है? जेपी परसों भी कह रहा था पढ़ाई लिखाई के लिए बंदा कहीं तो जाएगा, बाहर नहीं जाए पढ़ने के लिए, पढ़ने गया होगा, वहां जाके मकान तो नहीं बनाया उसने, नारी आइस करी। तो भजनलाल का अगर टूटेगा बचेगा ना? कदे कौन टूटे, क्यों? क्योंकि आस्था है लोगों की। अच्छा, उस परिवार के लिए आस्था है, बहुत बढ़िया। कितना मार्जिन रह जाएगा? मार्जिन 1,00,000 है। अच्छा, हाँ बड़ा दावा है, 1,00,000 का सीमेंट लग रही है। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, तकड़ी सीमेंट। हाँ, और
वोल्टा सीमेंट है वहां पर वो जेपी है हमने अच्छा से लिखा दिए सुधार योगे यू को सेकंड है यू भारत उसके आगे तो कोई दिक्कत ही कोनी अच्छा हां बेटा कुलदीप जिंदाबाद कौन जिंदाबाद कुलदीप इतना गिरे। ये था दोस्तों ठसका गांव जहां पर युवाओं में उत्साह है, जोश है और भजनलाल परिवार के प्रति वो लोग सॉफ्ट नजर आए हैं। भव्य बिश्नोई को वो एक युवा नेता मानते हैं। उनका मानना है कि भव्य बिश्नोई इस गांव से बढ़त लेकर के निकलेगा।